Hello everybody, this is Brazin. I'm going to start a new lecture of English grammar and I'm teaching you these days tense, the basic English grammar that is very important for your examination that is going to be held soon. So let's start today. Our topic is past continuous tense. दोस्तों मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ाऊँगा. दोस्तों मेरे पढ़ाने का जो एक सीक्वेंस है वो बाकी ट्रेडिशनल सीक्वेंस से हटके है. मैंने आपको तीनों कंटिन्यूअस एक साथ, तीनों इंडेफिनिट एक साथ पढ़ाए हैं, फिर तीनों कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, फिर तीनों परफेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको इस तरह से पढ़ने से हमें इनको याद रखना काफ़ी इजी होता है. क्योंकि आपने देखा कि भाई कंटिन्यूअस की पहचान इक्वल होती है, वहाँ पर रहा है रही है तो यहाँ पर रहा था रही थी, फिर हो जाएगा रहा होगा रही होगे. और इनकी इनके स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सिमिलरिटी होती है कि तीनों कंटिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और तीनों कंटिन्यूअस जो है टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी लगभग काफ़ी सिमिलर होती है. तो इसलिए हम तीनों को, तीनों कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ें, फिर तीनों परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ेंगे. तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो आइए शुरू करते हैं. हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पहचान आप वाकिफ है क्योंकि पहले हमने पढ़ा था रहा है रही है रहे हैं, और यहाँ पढ़ने वाले रहा था रही थी रहे थे, जस्ट उसका पास्ट हो जाएगा. स्ट्रक्चर से आप पहले से वाकिफ होंगे, फिर भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ. कई बार मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होती है और उसके बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. अब यहाँ की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होती है दोस्तों, वॉज एंड वर, ये हो गया. इसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब की हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं. और लास्ट में हमेशा की तरह हम लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है. वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस ट्रांसलेशन वुड बी ऑटोमेटिकली करेक्ट. अगर हम इसको फॉलो करते तो ट्रांसलेशन हमारा स्वतः ही सही हो जाएगा. बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और जो सिंगुलर नंबर नाउंस होते हैं, सिंगुलर नंबर नाउंस होते हैं या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे. ठीक है दोस्तों, क्या प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करने वाले हैं. आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, श्याम वॉज, ये. और बाकी जो बचे आपके कौन, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू वी दे. इसके बाद प्लूरल नंबर नाउंस जो होते हैं, चिल्ड्रेन, पीपल, इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इनके साथ हम प्रयोग करेंगे वर, डब्ल्यू ई आर ए. इसको वेयर नहीं बल्कि वर बोलते हैं दोस्तों. तो ये वर होता है. तो हमने जाना कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा और वर का प्रयोग कहाँ होगा. अब सीधे हम सेंटेंस पे, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं दोस्तों. जैसे हमने कहा कि वह वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, तो हो गया होगा आपका ट्रांसलेशन. सो वेरी सिंपल भाई, हो जाएगा शी. उसके बाद क्या आएगा शी के साथ, यहाँ लिखा है शी के साथ वॉज, शी वॉज कुकिंग फूड, यस शी वॉज कुकिंग फूड, कंप्लीटेड. मैं उसे समझा रहा था, मैं उसे समझा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर वॉज आ जाएगा. समझाना, कन्विंस होता है तो कन्विंसिंग हो जाएगा, आई वॉज कन्विंसिंग हिम, मैं उसे समझा रहा था. तुम दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ लोग शोर मचा रहे थे, सम पीपल वर मेकिंग अ नॉइज, उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, हिज फ्रेंड्स या हर फ्रेंड्स वर क्राइंग शाउटिंग. तो दोस्तों इस तरह से हम बना लेते हैं, बहुत सिंपल है. यू के साथ तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, बच्चे दौड़ रहे थे, चिल्ड्रन वर रनिंग. तो इस तरह से इनका प्रयोग हम कर लेते हैं इनके साथ इस तरह से. अब जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो लाइक ऑलवेज हम नेगेटिव स्ट्रक्चर जानते हैं, बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करते हैं, वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा. जैसे हमने यहाँ कहा कि
वहां उपन्यास नहीं पढ़ रही थी, वह उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रही थी कुछ भी लिख सकते, वह उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। ये हमारा सेंटेंस है, हमने यहाँ पे कर दिया, तो अब क्या होगा, ही हो जाएगा, उसके बाद वॉज आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, अब जान ही रहे वॉज वर्ग के बाद नॉट आ जाएगा, इसके बाद रीडिंग अ नॉवेल हो जाएगा, रीडिंग अ नॉवेल ये हो जाएगा, वो सिंपल है ये दोस्तों। अब यहीं पे जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे इसका जिक्र कर देते हैं, हालांकि आपको पता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है जिसे हम एस और नो टाइप कहते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर को हम बार बार आपको बताते हैं कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे शुरू में वॉज या वर आ जाएगा, और वाज या वर्ग का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, अन्यथा नहीं रखते हैं। फिर मेन वर्ब में वही आईएनजी फॉर्म का यूज करना है हमें, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वन मोर थिंग इज हियर टू राइट दैट इज क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना जरूरी नहीं तो गलत हो जाएगा मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के तहत। अब आपने कहा कि क्या नौकर, क्या नौकर झाड़ू लगा रहा था, ये आपका सेंटेंस है, क्या नौकर झाड़ू लगा रहा था, तो क्या हो जाएगा भाई, आपने कर लिया होगा, तो यहाँ लिखेंगे वॉज रहेगा क्योंकि नौकर सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, वॉज द सर्वेंट, ये हो जाएगा वॉज द सर्वेंट ब्रूमिंग, बी आर ओ डबल एम आई एन जी क्वेश्चन मार्क, तो ग्रूमिंग या स्वीपिंग होता है। अगर हम कहते हैं क्या नौकर झाड़ू नहीं लगा रहा था तो क्या होता, वॉज द सर्वेंट नॉट ग्रूमिंग, यहाँ नॉट ग्रूमिंग हो जाएगा। अब मैं पूछूं ऐसे आपसे कि क्या आप नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, वर यू नॉट रीडिंग, वर यू नॉट स्टडिंग, क्या कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, वॉज एनीवन नॉट वेटिंग फॉर यू, क्या बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, वर द चिल्ड्रेन नॉट हैविंग फूड, वर द चिल्ड्रेन नॉट टेकिंग फूड, तो ये आपको हो जाएगा। अब जैसे आप जानते हैं जब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं बार बार, जिसको आप डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो उसमें शुरू में हमने आपको बताया, अगर यहीं पे मैं शॉर्ट में बताऊं, या चलिए नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, थोड़ा सा स्पेस होगा तब आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट काइंड हो गया, सेकेंड काइंड देख लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेकेंड काइंड इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप जो होता है इसको डब्ल्यू एस टाइप भी बोला जाता है। डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, और वो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं स्पेशली व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, व्हाई होता है, ये होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वही से, सबसे पहले शुरू में आपका क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ रहने वाला है, और फिर वही बाकी सारी चीज़ें सब्जेक्ट कंटिन्यू कर लीजिएगा, यहाँ पे नॉट है तो लगा लीजिएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आई एन जी फॉर्म ही, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा ये, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, तो ये आप मान के चलिए कि ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा सेकंड काइंड इंट्रोगेटिव। अगर हमने यहाँ कहा कि वह कहाँ खेल रहा था, ये आपने पूछा वह कहाँ खेल रहा था, ये हमारा सेकंड काइंड है, तो हम क्या कहेंगे वेयर, तो पहले क्या आएगा वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, इसको सब्जेक्ट, इसके बाद आईएनजी फॉर्म, वेयर वॉज ही प्लेइंग, जब हमने कहा तुम क्या खरीद रहे थे, तुम क्या खरीद रहे थे, तो आप इसको कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, तुम क्या खरीद रहे थे, तो पहले ये आएगा नहीं व्हाट हो जाएगा, व्हाट के बाद यू के लिए वर आएगा, व्हाट वर यू बाइंग, व्हाट वर यू बाइंग, तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है। मैं आपसे पूछूं तुम क्यों रो रहे थे, व्हाई वर यू वीपिंग, वह क्यों झगड़ा कर रही थी, व्हाई वर शी क्वारलिंग, मम्मी पैसा क्यों नहीं दे रही थी, व्हाई वॉज मदर नॉट गिविंग मनी, व्हाई वॉज मम्मी नॉट गिविंग मनी, तुम
उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? Why were you not teaching him? वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था? Why was he not helping you? दलाल पैसे क्यों नहीं ले रहा था? Why was the broker not taking money? वकील रिश्वत क्यों दे रहा था? Why was the lawyer, why was the advocate giving bribe? B-R-I-B-E, bribe माने रिश्वत होता है। दोस्तों, इस तरह से हम पास कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो बेहद आसान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो बेहद आसान है, और लेकिन उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।